नमस्कार, प्यार एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। जयपुरा में अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकराई, युवक की हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें, मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत मिर्जापुर से प्रयागराज मार्ग पर मंगलवार की भोर में प्रयागराज की तरफ से आ रही ट्रक भटेवरा गाँव के सामने बरमबावा के पास दाहिनी तरफ अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे जितेंद्र पाल 18 वर्ष की मौके पर मौत हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि ट्रक को निकालने में क्रेन की मदद से घंटों निकाला गया। बताया जाता है कि मंगलवार की भोर में लगभग 2 बजे प्रयागराज की तरफ से मटर लाद कर ट्रक वाराणसी जा रही थी। मंगलवार को भोर में लगभग 2 बजे पेड़ से टकरा कर फंस गई, जिसमें चालक की सीट पर बैठा जितेंद्र 18 वर्षीय निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट का था, जिसकी दबकर मौत हो गई, जो ट्रक मालिक धर्मेंद्र पाल का छोटा भाई था। मृतक 3 भाइयों में से दूसरे नंबर का था और बीए का छात्र था। घर से वाराणसी घूमने के लिए ट्रक पर आया था, जबकि ट्रक का चालक पड़ोस का सुनील था। घटना के बाद से ही चालक मौके से फरार है। बड़े भाई धर्मेंद्र पाल ने बताया कि मृतक कभी ट्रक नहीं चलाता था। मौके पर सीओ सिटी प्रभात राय, थाना प्रभारी विंध्याचल नीरज पाठक, चौकी प्रभारी अष्टभुजा भरत पांडे ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दो क्रेन और जेसीबी की मदद से पेड़ से ट्रक को अलग कराकर शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंचे, जिसे देखते ही रोने बिलखने लगे। प्रयाग न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। क्या नाम है आपका? कमलेश तिवारी। ये कौन सा स्थान है? ये रामपुर निवाड़िया ग्राम सभा है और मिर्जापुर जिला में पड़ता है। क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे रात को एक ट्रक आ रही थी और जो अनियंत्रित होकर के लग रहा है ड्राइवर सो गया था, वो अपना होश गवा बैठी और जिसकी वजह से वो दाहिने साइड आकर एक पेड़ में टकरा गई। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसमें ड्राइवर था वो मर गया उसमें चपक के। किस तरह निकाला गया उसे? उसको प्रशासन को मैंने खुद प्रशासन को सूचना दिया था और उसके बाद प्रशासन आई किसी भी तरह से ट्रेन बुला करके और जेसीबी, मतलब 200 जेसीबी और 300 क्रेन जी, सबको जा करके किसी तरह से बॉडी को निकाला गया और उसको फिर प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनके परिजन आए कि नहीं? हाँ, उनके उससे बड़े भाई आए थे, 3 भाई थे बेचारे जी। और ये बीच वाला था भाई जी, जिसका नाम जितेंद्र कुमार था, उसका बड़ा भाई है। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? मऊ के रहने वाले थे, अहिरी ग्राम सभा पड़ता है जी, चित्रकूट जिला में जी। धन्यवाद।